हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम देखें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए और पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर आर्ट कॉमर्स ह्यूमैनिटी लॉ साइंस सोशल साइंस लाइब्रेरी साइंस लैंग्वेज जर्नलिज्म एंड मैथ्स कम्युनिकेशन होम साइंस डिसिप्लिन कॉलेज लाइब्रेरीज के लिए। तो अगर बात करें कॉलेज की, तो यहाँ पे कॉलेज का नाम है श्री चक्रधार आर्ट एंड साइंस कॉलेज, जो कि गोरेगांव में स्थित है। अब बात करते हैं सोसाइटी की, तो देखिए श्री चक्रधर बहुदेशिया शिक्षण एंड विकास संघ गोंडिया, गणेश संघ गोंडिया, जो सोसाइटी है उन्होंने क्या है इसे स्पॉन्सर किया है। और जो कॉलेज है वो श्री चक्रधर आर्ट ऑफ साइंस एंड कॉलेज के लिए जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो देखिए यहाँ पे बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स मैथ्स पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के लिए जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पोस्ट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, जैसे कि वन पोस्ट फॉर बॉटनी, वन फॉर जूलॉजी, तो ऐसे करके आप यहाँ पे नंबर पोस्ट भी देख सकते हैं। अब नेचर ऑफ पोस्ट यहाँ पे परमानेंट पोस्ट है, फुल टाइम पोस्ट है, और यहाँ पे कैटेगरी भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, जैसे कि सारी जो पोस्ट है वो ओपन कैटेगरी में सारे सब्जेक्ट में, तो आप ये देख सकते हैं। पे स्केल जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो दिया जाएगा एज पर UGC एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपका CSIR UGC नेट होना चाहिए। वहीं अगर आपने जो PhD कंप्लीट किया 2009 से पहले, तो आपको जो है PhD डिग्री जो है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, और PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एग्जामिनर ने इवेल्युएट किया होना चाहिए, और ओपन PhD बाय वॉइस होना चाहिए, और आपने अपने PhD वर्क से 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए होने चाहिए, और 2 पेपर आपने प्रेजेंट किए होने चाहिए आप कोई भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में अपने PhD वर्क से। तो ये सारी जो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। वही क्या होता है, कुछ बच्चे जो है बाहर से PhD करके आते हैं, तो अगर आपने बाहर से PhD किया है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने PhD किया है उसे टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में होना चाहिए। अब बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो यहाँ पे देखिए 3 रैंकिंग जो है वो यहाँ पे वैलिड रहेंगी, एक आपकी QS रैंकिंग, डा रैंकिंग, ARWU। तो अगर आपने PhD की फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहिए, और जो रैंकिंग होनी चाहिए वो या QS हो या डा हो या ARW रैंकिंग, ARWU रैंकिंग होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे 5% का जो यहाँ पे आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप SC ST या डिफरेंसली एबल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की, तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसे आपको प्लेन पेपर में या प्रेस्क्राइब फॉर्मा में आपको फिलअप करना है, और आपको सेंड कर देना है प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर ऑन द एड्रेस गिवन बिल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रखा है, तो आपको यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन उसे प्लेन पेपर में या प्रिस्क्राइब परफॉर्मर में, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू लाइक अटैच ऑल योर लाइक टेस्टिमोनियल्स ऑल्सो, लाइक द नेट गेट सर्टिफिकेट, या आपकी 10th 11th 12th की मार्कशीट, या BSc की मार्कशीट, या PG का सर्टिफिकेट, या प्रोविजनल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको सेंड कर देने हैं अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन। अब आपके लास्ट डेट जो है यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद योर टेस्टिमोनियल्स इट्स शुड रीच बिफोर 29 दिसंबर 2020, ठीक है। अगर बात करें एड्रेस की, तो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर श्री चक्रधारी आर्ट्स ऑफ साइंस आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज सोनीताल गोड़ेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंडिया 44108 01। तो यहाँ पे जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर वैलिड टेस्टिमोनियल्स के साथ आपको सेंड कर देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।